भारत की जनता ने मालदीव को टूरिस्ट के मामले में जो चोट पहुंचाई उससे मालदीव पूरी तरह से सड़कों पर आ चुका है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू भारत के सामने गिरगिरा का प्लान बना रहे हैं और जो खबर सामने निकल कर आई है उससे यह साफ साफ जाहिर हो गया है कि इंडियन टूरिस्ट के मालदीव में न जाने के कारण वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ने से मोहम्मद मुज्जू की चिंता कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल हाल ही में कुछ दिनों पहले जब मालदीव के पास खाने पीने के आइटम्स की कमी होने लगी थी तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू ने भारत से दाल चावल और गेहूं समेत अन्य सभी फूड प्रोडक्ट की सप्लाई करने का रिक्वेस्ट किया था, लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसके मुताबिक मालदीव जल्द ही भारत की सड़कों पर आकर इंडियन टूरिस्ट से मालदीव में अपनी छुट्टियां बिताने की रिक्वेस्ट करने जा रहा है ताकि मालदीव की अर्थव्यवस्था दोबारा से पहले जैसी हो सके और दोबारा से मालदीव भारत पर अपनी डिपेंडेंसी कायम कर सके, यानी कि मालदीव चीन को छोड़कर भारत की ओर झुकने की कोशिश में जुटा हुआ है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मालदीव को भारत से टकराने का अंजाम मिल रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में मालदीव ने जो सोचकर भारत से पंग लिया था उसकी सोच उल्टा मालदीव को बर्बादी की ओर धकेल रही है और मालदीव की अर्थव्यवस्था के हालात यह हो गए हैं कि मालदीव पूरी तरह से सड़कों पर आ चुका है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू दोबारा से भारत के साथ अपने रिलेशन को ठीक करना चाहता है। इसीलिए मोहम्मद मुज्जू धीरे धीरे भारत के लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और फूड प्रोडक्ट और टूरिस्ट सेक्टर पर अपनी डिपेंडेंसी को दोबारा से पर शिफ्ट करना चाहते हैं। और मालदीव इस समय भारत से दुश्मनी करके किस तरह से मुसीबत में फंस गया है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत से पंगा लेने के 3 महीने के भीतर पिछले साल यानी कि 2023 की अपेक्षा इस साल 34 पर मालदीव जाने वाले टूरिस्ट में गिरावट देखी गई। भारत और मालदीव के बीच इस साल की शुरुआत से विवाद बना हुआ है जहां दोनों देशों के बीच जारी तनाव का नुकसान कहीं ना कहीं मालदीव को हो रहा है क्योंकि भारतीय पर्यटकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में मालदीव उन्हें फिर से लुभाने के लिए भारत के प्रमुख शहरों में रोड शो करने जा रहा है और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि मालदीव भारत की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है और बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव जल्द ही भारतीय शहरों की सड़कों पर आकर मालदीव में टूरिस्ट जाने का रोड शो करने जा रहा है, यानी कि मालदीव जल्द ही भारत की सड़कों पर आकर भारतीय लोगों से रिक्वेस्ट करने जा रहा है कि भारत से ज्यादा टूरिस्ट अपनी छुट्टियां बिताने के लिए मालदीव जाए। यह घोषणा उसके प्रमुख पर्यटन निकाय मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने किया है और भारत से पंगा लेने के 3 महीने के भीतर ही मालदीव के अर्थव्यवस्था की इस तरह से धज्जियां उड़ना शुरू हुई है कि मालदीव भारत की सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो चला है क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि मालदीव की इकोनॉमी पूरी तरह से टूरिस्ट सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है और अगर ऐसे में भारत से पंगा लेता है तो उसके लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी मालदीव ने भारत के खिलाफ अपने तेवर दिखाने कम नहीं किया और चीन की ओर तेजी के साथ झुकता गया और जनवरी 2024 के बाद से मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या बहुत कम हुई है। इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव के 3 मंत्रियों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को माना जा रहा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर जाने के बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री को भला बुरा बताया, जिसके बाद मालदीव जाने वाले टूरिस्ट ने मालदीव को बायकॉट करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मालदीव की टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक जनवरी से मार्च 2023 में 56,000 से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे थे, वहीं इस बार साल 2004 में जनवरी से 10 अप्रैल तक सिर्फ 37,000 ही भारतीय टूरिस्ट मालदीव गए, यानी कि आंकड़ों के मुताबिक इस साल 3 महीने के भीतर मालदीव जाने वाले इंडियन टूरिस्ट में 34 पर गिरावट देखी गई और भारत के द्वारा मालदीव को दिए गए इसी एक झटके से मालदीव की इकोनॉमी सड़कों पर आ चुकी है। यहाँ तक कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू इतने मजबूर हो चुके हैं कि उन्हें भारत की सड़कों पर आकर इंडियन टूरिस्ट के सामने मालदीव में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए हाथ जोड़ना पड़ रहा है ताकि भारतीय टूरिस्ट दोबारा से मालदीव जाना शुरू कर दें और मालदीव की अर्थव्यवस्था फिर से पहले जैसी हो सके। हालांकि अब मालदीव के लिए अपनी टूरिस्ट इंडस्ट्री को पहले जैसा रिकवर करना उतना भी आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मालदीव भारत के सामने अपने हाथ फैला रहा है। वैसे आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू को यह बात पहले से ही मालूम थी कि भारत से पंगा लेना
उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि दोबारा से भारत के आगे मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद मुज्जू यह सोच रहे थे कि चीन दर दर पर उनकी मदद करता फिरे, लेकिन चीन ने मालदीव के हाथ में वही पाकिस्तान वाला कटोरा पकड़ा कर मालदीव की ओर से अपने हाथ को इस तरह से खींचा कि उससे मालदीव के अर्थव्यवस्था की खटिया खड़ी होना शुरू हो गई है। इसीलिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू दोबारा से भारत की ओर झुकना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा मालदीव दोबारा भारत से गेहूं, चावल, दाल और आलू समेत सभी फूड प्रोडक्ट की सप्लाई चाहता है, ताकि वह भारत पर अपनी डिपेंडेंसी को कायम रख सके। जबकि मालदीव और भारत की सनातनी के बीच मालदीव ने भारत के बजाय तुर्की से गेहूं, चावल और दाल जैसे अन्य अनाजों को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन शायद तुर्की की महंगाई ने मालदीव में अनाजों की सप्लाई करने से हाथ खड़ा कर दिया। इसीलिए मालदीव ने भारत से अनाजों की सप्लाई के लिए रिक्वेस्ट किया और भारत ने इस मौके को ना गवाते हुए गेहूं, चावल और दाल की सप्लाई दोबारा से मालदीव में चालू कर दिया, ताकि भारत की पकड़ मालदीव में बनी रहे। और अगर इस मौके को भी भारत हाथ से छोड़ता तो शायद मालदीव दोबारा से चीन की ओर अपने झुकाव को आगे बढ़ाता। इसीलिए इस सप्ताह की शुरुआत में भारत सरकार ने मालदीव के अनुरोध पर साल 2024-25 के लिए कुछ निश्चित मात्रा में आवश्यक वस्तुओं जैसे अंडे, दाल, चावल, गेहूं और चीनी आदि के निर्यात को मंजूरी दे दिया। और अगर आप इस ट्वीट को देखेंगे तो इसमें मालदीव के विदेश मंत्री भारत के द्वारा अंडे, दाल, चावल, गेहूं और चीनी समेत अन्य खाने पीने वाली जरूरत के वस्तुओं की सप्लाई दोबारा से चालू करने के बाद भारत के विदेश मंत्री यश जयशंकर प्रसाद को मेंशन करते हुए धन्यवाद भी दिया है। और इसमें मालदीव ने साफ साफ कहा है कि यह भारत और मालदीव के लंबे रिलेशन का एक हिस्सा है, यानी कि इन सब बातों से साफ साफ जाहिर है कि मालदीव जो अभी तक भारत के विरोध में जुटा हुआ था, वह चीन को छोड़ भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा है। जहां मालदीव के भारत की ओर दोस्ती के हाथ बढ़ाने से भारत ने भी मालदीव को ईद की बधाई दिया है। बाकी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू भारत की सड़कों पर इंडियन टूरिस्ट की मदद मांगने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।